जो ये मौका मिला एलसीए में उड़ान भरने का, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था। जिस तरह से मैंने इस जहाज को एक्सपीरियंस किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि टारगेटिंग जो इसकी है बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे पायलट ने दिखाया, एयर वाइस मार्शल तिवारी जो मुझे पायलट कर रहे थे, उन्हें दिखाया किस तरह से हम रडार के जरिए भी इसको टारगेट कर सकते हैं, रात के जरिए भी, और बिल्कुल जिस तरह से टारगेटिंग हो रही थी बिल्कुल एक्यूरेटली टारगेट पे जो बॉम्ब हैं और जो बाकी रॉकेट्स हैं पहुंच रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि एचएएल और डीआरडीओ ने मुझे आज इस जहाज में उड़ान भरने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद सर। जिस तरह की देश की टोपोग्राफी, सर जिस तरह से हमारी देश की टोपोग्राफी है और जिस तरह से दुश्मन चारों तरफ है, आपको लगता है कि ये सेना का मनोबल बढ़ा देगा? देखिए, इसमें तो एयरफोर्स ही बताएगा कि ये किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय एयरफोर्स और थल सेना एक साथ मिलकर काम करते हैं। तीनों सशस्त्र सेनाएं जो हैं, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो जिस तरह से भी हम हवाई शक्ति अगर एयरफोर्स की बढ़ाते हैं तो थल सेना की भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि हम सब एकजुट होकर काम करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जहाज अगर उनकी इन्वेंटरी में शामिल होते रहे तो सशस्त्र सेनाओं की जो शक्ति है वो बढ़ती रहे। एंटायर एयरोस्पेस साइंटिफिक कम्युनिटी इन द कंट्री इज एक्सट्रीमली हैप्पी दैट द फर्स्ट एवर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व्हिच हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द कंट्री has been final operational clearance certificate obtained. This is a major milestone in any country's aeronautics development.